दोस्तों हम उन उपायों की बात करेंगे जिनको अपनी कुंडली के विश्लेषण कराए बगैर नहीं करना चाहिए, वरना ये उपाय हानि भी कर सकते हैं। इस संबंध में पहला उपाय यह है कि यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी जगह पर विराजित हैं और लग्न के मित्र हैं, तो आप नीलम रत्न या लोहे की अंगूठी धारण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग साढ़े साथी लगते ही अपने मन से नीलम धारण कर लेते हैं। साढ़े साथी में यदि नीलम धारण करना है तो पहले किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। यह रत्न बहुत जल्दी प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है, अतः कुंडली के गलत आकलन पर नीलम धारण करना बहुत घातक भी हो जाता है तथा कोई भयानक नुकसान भी कर सकता है। अतः नीलम या लोहे की अंगूठी बहुत ही सोच समझ कर धारण करें। दूसरा उपाय यह है कि यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, तो आप प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद शनिदेव के मंदिर में जाएं तथा उनकी प्रतिमा पर काले तिल व तेल चढ़ाएं। इसके बाद उस मंदिर में बैठकर शनिदेव के किसी भी मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। कोशिश करें कि पूर्ण साढ़े साथी या ढैया में यह उपाय करें, पर संभव न हो तो कम से कम 4 शनिवार तो यह उपाय अवश्य करें। आपके इस उपाय के बाद कष्टों में कमी अवश्य आएगी। तीसरा उपाय यह है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, तो साढ़े साथी के समय आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर जाएं तथा वहां घी का दीपक लगाएं, हनुमान जी की परिक्रमा लगाएं तथा शीश झुकाकर पूर्ण भावना के साथ में साढ़े साथी के कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, चौथा उपाय यह है कि यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तथा वह आपके लग्न का मित्र है, तो हर शनिवार आप पीपल में सूर्योदय के बाद में जल चढ़ाएं। इससे शनिदेव के कष्ट कम होना प्रारंभ हो जाएंगे। पांचवा उपाय यह है कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र या बुध की स्थिति अच्छी है, तो आप इनके रत्न धारण करें, गायों की सेवा करें और लक्ष्मी जी की आराधना करें। शुक्र व बुध शनिदेव के मित्र ग्रह माने जाते हैं, इनके प्रभाव से भी कष्टों में कमी आ सकती है। तो दोस्तों, ये वो उपाय थे जिनको करने से पूर्व अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को अवश्य दिखानी चाहिए। अब हम उन कार्यों की बात करते हैं जिनको करने से शनिदेव अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं तथा जातक को उसके दुष्कर्मों का भयानक परिणाम प्राप्त होता है। ये कार्य साढ़े साथी में तो क्या जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, वरना कष्टों का ऐसा भंवर जाल बनता है जिसमें जातक डूबता ही जाता है। दोस्तों, इस संबंध में पहला कार्य यह है कि हमें कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से या शराब के सेवन करने से शनिदेव कुपित हो जाते हैं तथा राहु को हमारे दिमाग पर हावी करवाकर हमें भ्रमित कर देते हैं। इससे हमें सही और गलत की समझ नहीं रहती तथा हमें ऐसा कोई कार्य करना पड़ जाता है जिससे हमें पुलिस, कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। समय के साथ धन की बर्बादी तथा मानसिक यातनाएं अलग। इसलिए दोस्तों, कभी भी शराब का सेवन न करें, वो साढ़े साथी या ढैया में इससे बचकर ही रहें, ज्यादा अच्छा है। चाहे कोई कितना भी बोले, पर आप खुद को नियंत्रित रखते हुए इससे दूर रहें। दूसरा कार्य यह है कि कभी भी माता पिता और किसी भी बूढ़े व्यक्ति का अपमान न करें। जो मनुष्य अपने माता पिता को जरा सा भी कष्ट देता है या उनका दिल दुखाता है, शनिदेव उसके दुष्कृत्य का कई गुना करके उसे भयानक दंड देते हैं, यह निश्चित मान के चले। अतः किसी भी बुजुर्ग का कभी भी अपमान न करें। तीसरा कार्य यह है कि कभी भी अपने से नीचे कार्य करने वाले कर्मचारी का या चतुर्थ श्रेणी कामगारों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। यह सब शनिदेव के कारक होते हैं। अपने वर्करों से सदैव अच्छे से पेश आए तथा उनका कभी भी अपमान न करें। यदि वाद विवाद की स्थिति बन रही हो तो समझौतों का ही रास्ता अपनाएं। समय समय पर अपने कर्मचारियों को तथा अपने नौकरों को बोनस या उपहार वगैरह देते रहें, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चौथा कार्य यह है कि कभी भी किसी का अधिकार न छीने, उसका हक न मारे। इससे भी शनिदेव बहुत कुपित हो जाते हैं।
तथा यदि हम ऐसा कुछ कार्य करते हैं तो उसका कई गुना शनिदेव हमसे अचानक छीन लेते हैं। दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार स्थापित कभी न करें, न ही अपने अधिकारों का कभी भी गलत प्रयोग करें। पांचवा कार्य यह है कि कभी भी किसी से कड़वा न बोले, सदैव सबसे अच्छा व्यवहार रखें, खास तौर पर अपने घर के सदस्यों से। किसी भी महिला का कभी भी अपमान न करें। महिला का अपमान अर्थात आपकी कुंडली में शुक्र का अपमान, और शुक्र शनि देव का परम मित्र माना जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी महिला का अपमान करता है, समाज में उसे उससे कई गुना ज़्यादा अपमानित होना पड़ता है। परिवार के सदस्य उसे छोड़कर चले जाते हैं तथा साढ़े साथी या ढैया लगने पर वह व्यक्ति नितांत अकेला हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी महिला का अपमान न करें। दोस्तों, इस संबंध में अगला कार्य यह है कि कभी भी अपने धन का और ईश्वर का खोखला प्रदर्शन न करें। दिन फिरते ही प्रदर्शन करने वालों का नाम तक भी समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी गरीब का मजाक न उड़ाएं, उनके सामने पैसे का दिखावा न करें। इस संबंध में कार्य यह है कि जीवन में कष्ट आने पर कभी भी अपना आपा न खोएं और विचलित न हो। साढ़े साथी या ढैया परीक्षा की घड़ी होती है, उसे घबराए नहीं तथा स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए उस वक्त को हंसते हुए गुजार दें। ऐसा करने से शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे और कष्ट अवश्य कम करेंगे। शनि के साढ़े साथी में यह बात भी खास है कि शनि की स्थिति कुंडली में कैसी है, वह उच्च का है या नीच का है, या मित्र ग्रहों से के साथ बैठा है या शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, कितने डिग्री का है, वक्रीय है, अस्त है, बाकी सब आधार पे भी शनि की साढ़े साथी में फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे साढ़े साथी और ढैया में कष्ट मुक्ति के कुछ उपाय। साढ़े साथी हमेशा ही बुरी नहीं होती है, यह एक प्रकार से परीक्षा की घड़ी है। यदि आप इस परीक्षा में सफल रहे तो साढ़े साथी के अंतिम चरण में शनिदेव आपको आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करते हैं। साढ़े साथी के बाद का जीवन सुखमय होता है, मनुष्य में जो कमियां होती है वो दूर होती है और व्यक्ति पूर्णता की ओर बढ़ता है। दोस्तों, साढ़े साथी में कभी भी घबराए नहीं, भगवान का स्मरण करते रहें और अपना कार्य करते रहें। प्रकृति के नियमों का पालन करें, उपायों पर विश्वास रखें तथा स्वयं के द्वारा किए गए उपायों का वर्णन किसी से न करें। दोस्तों, ये अंतरिक्ष निरंतर प्रसार करता जा रहा है, यहाँ स्थित प्रत्येक वस्तु गतिमान है, अतः समय भी गतिमान है। बहुत अच्छे समय में अभिमान न करें और बुरे समय में निराश न हो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। ये सारी कहावतें शनिदेव की साढ़े साथी के लिए ही है। शनिदेव के प्रसन्न होने पर संसार की कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और शनिदेव के क्रुद्ध हो जाने पर कोई शक्ति बचा भी नहीं सकती। इसलिए सदैव सत्य और प्रेम के मार्ग पर ही चले, किसी का अहित न करें। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में आपको ज्योतिष से संबंधित अन्य जानकारियां भी दी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।